बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ करे, उसको रेडी में डाल कर देख लो। ये मियां साहब वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग। बुरा ना मानिएगा, बाज औकात खानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ करे, उसको रेडी में डाल कर देख लो। ये मियां साहब वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग। बुरा ना मानिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे निगेबान पाकिस्तान, तो मैं कुर्बान ते इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। ये थे जेदा पीकू साहब और डॉक्टर फजल लाई फजल चौधरी, वो भी पीकू है बड़ा बड़ा। और इस वक्त इमरान खान के जो अजाब उसके फराया हुआ, उसमें ये पीकू साहब भरपूर तरीके से है। यही बंदे भेजते हैं रेड जोन में भी, और यही चार पांच बंदे अपने पिंड से बुलवा के कर लेते हैं। नईम बुखारी साहब ने मंजी ठोक दी है। जो नए आए जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बाजवे की मंजी ठोक दी, राणे को क्लियर अप दे दी। जो नए आए हैं वो अपने फीडबैक भी दे, रलिया मिलिया कम देना है, रलिया मिलिया। ये बात है जी। वो तीन इलेक्शन कमीशन के बंदों ने खत लिख दिया चीफ सेक्रेटरी को और जो जो मुतलका डिपार्टमेंट थे अपने महकमे को वगैरह वगैरह। वो कमर में जो ने वो ठोक दिया, कील ठोक दिया आप उसको कह लें, जो इनकी चल रही थी स्कीम चल रही थी। अच्छा जी, नवाज शरीफ को शक पड़ा कि यार ये जो है ना, ये नदीम अंजुम करवा रहा है या कोई और इससे मुतलका बंदा करवा रहा है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने अपने कितने ही फौजी अहदेदार भी, जिस तरह इमरान खान के वो कहते मेजर ताहिर सादक जो इसका परवेज लाई के बनवाइया चकवाल वगैरह से। अच्छा जी, फिर क्या था जी, वो इन्होंने भेजा आईबी के हेडक्वार्टर में कि जाओ जी उसके पास जाके मेरी बात कराओ। बात जब करवाते हैं तो फिर जनाब अली साथ साथ आपको मिक्स करके होता ना, वो वजह बताई थी कभी इधर को तिलकने का तो कभी इधर का, कुछ वजूहात होती हैं। हाँ, मज़े लेते लेते आओ कुत्ते भी। ये एक और आपको बीच में दूसरी खबर भी बेच डबल रोटी बंद बना के दूंगा आपको पूरे तरीके के साथ। तो ये जनाब अली अब देखिए जी, लव जी ये सारा अल्ताफ साहब को साहिबा को तलाक हो गई है, मेरे डिपार्टमेंट तो नहीं है। तलाक इस तरह होगी जब इसका खामद इसको भेज रहा मलकों के साथ गैर महरम के साथ या प्रोग्राम कर रहा तो उधर ही रह, तो वो फिर या तो उसको आके पैसे नहीं देती, सीधी बात है जी, कि तो अपना जोड़ी जानी मैं भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं मेरा भी हक बंद है, मेरा भी कुछ करो। तो यह जनाब अली वो बिल्कुल शरीफ है तो ये फंस गया। और इन जैसों के बाजारी औरतों के कहाँ से होते हैं, लेकिन नकदा तो टोटा जो है ना, ये नकदा कोका ये ले बैठा, इसको पैसे तो आ गए लेकिन जैसा बढ़वा था खामत वो हाथ से चला गया। तो फिर इस तरह काम है ही होता, मलकों को क्या, वो तो है ही इसी तरह। अच्छा जी, बंदा गया वहाँ पर जाके उसने टल्ली बजाई, मिस कॉल बजाई कि जी मियाँ साहब आपसे बात करने, जी डी जी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहा हूँ, इधर उधर मैं नाजदान उजदान जी पूरे नाम के साथ। वो जो रिटायर मेजर जनरल साहब हैं जो इमरान खान की मुखबरियाँ टेपें करते थे टेलीफोन, फिर भी इमरान खान ने उसको रखी रखा, चलो भुगत रहा ना, वही मेजर जनरल साहब। फिर एक्टिंग बने पर शहबाज शरीफ जाते उसको एक्सटेंशन दे गया, और वही मेजर जनरल साहब जो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगे हुए हैं वो 3 साल के एक्सटेंशन भी उनको दे गया है। चलो जाग बंदे ने आर्मी ऑफिशियल ने जो रिटायर आर्मी ऑफिशियल उसने जाके टल्ली मारी, तो टल्ली जो मारी तो घोड़ी ने उठा ली, घोड़ी ने कहा जी मियाँ साहब बात करेंगे, मियाँ साहब ने बात कही, बंदा आया
ये सारे रिकॉर्ड के ऊपर होती जाती रहती हैं, ये बंदा आया है तो इसकी मुश्किलें इसके दूर कर दे, अल्लाह आपको खुश रखेगा, आपको दुआएं देगा, कभी लाहौर आए तो आना। अच्छा जी ठीक है, यस सर जी ठीक है जी, मैं देखता हूँ। फिर उसने मुद्दा पूछा, उन्हें कहा जी ये इंक्वायरी कराई इन बंदों के पीछे कौन था। उन्होंने कहा वहाँ जाओ मेजर जनरल के हाफिज साहब जो है हरी पगड़ी वाले, वो बताएंगे। कह रहे नहीं जी, उन तीन बंदों के जिन्होंने खत लिखे हैं जो कि इस रिजीम चेंज के जो हो रहा है उसमें खम ठोक दिया गया है, ताबूत में कील ठोक दिया गया है, उनके फ्रांजक करवाया गया, तो फ्रांजक में तीनों के लीम खान का निकला, हलीम खान के टेलीफोन का फ्रांजक रहा, प्रिंट निकला था। मेरा भी एक दोस्त है लटविया में रहता है, वो मुझे भी किसी का मंगवाऊँ तो भेज दिया करता, उसका मेरे ख्याल जहाज में कहीं वाकफियत है ना। अच्छा जी फिर क्या है जी कि वहाँ से हलीम खान, अब हलीम खान जो है उसने कागज़ भी जमा कराए में नैनल असम्बली के भी, सूबाई असम्बली के भी, अब उनके साथ किस तरह बने, सीटें भी उतने बंदे नहीं खड़े किए, तीन तीन बंदे खड़े किए हुए, तो सीटें भी पूरी नहीं हो रही उनकी, तो वो क्या करें क्या ना करें। हलीम खान का पकड़ा गया, हाथ से ही पकड़ लिया उन्होंने। फिर जनाब अली इसने टेलीफोन बुलाया, घोड़ी घोड़ी आजकल बनी हुई है, हाँ घोड़ी बनी हुई है, बात समझ गए ना, आज जरा मर्जी सवारी कर जाओ। वो जनाब अली उसने हलीम खान से किया, फिर उसने सेक्टर कमांडर को किया कि ये देखे जी ये इनकी शह के ऊपर हो रहा वगैरह वगैरह। सेक्टर कमांडर को भी कहीं से होएगा कि इतनी अन्नी ना डालो, थोड़ी थोड़ी इनकी फेवर भी करो, इनकी इमरान खान की। उन्होंने कहा जी मैं देखना मैं ऐसे ऐसे जिस तरह वगैरह वगैरह। तो ये जनाब रंगे आता आप ही सारा असी सारे आप ही पड़े गए हलीम खान वगैरह की तरफ जा रहा है। अच्छा जी ये तो ब्रेकिंग की न्यूज़ मोगी, एक और करना, ख्वाजा बकरी ने अपनी बीवी भी पेश कर दी, फिर अपनी भांजी भी पेश कर दी, अपनी बेटी भी, वो डिस्को डांसर जो है वो भी पेश कर दी, भतीजी भी पेश कर दी, ख्वाजे का भाई भी एक है जी आ जाओ। मैंने कल किससे पूछा, मैं कहो तो भरात कभी नज़र नहीं, कहते बस हाँ जी वो लुट मार कर रहते रखे और ये वो रिजर्व सीटों में, चलो जी उनको उसमें लेके आ जाना। इलेक्शन जी पी टी आई को बेचारी को फड्डे पे फड्डा मिल रहा है, फड्डे पे फड्डा, ये एक कदम से निकलते हैं दलदल में फंस जाए ना।